गुड आफ्टरनून सभी लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द मीडिया पर्संस फॉर दिस प्रेस ब्रीफिंग विथ रिगार्ड टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ एस्केप ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, 7 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विच हैपेंड ऑन 11 जुलाई 2021. तो इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो कभी भी हमने डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग बुला के नहीं किया. तो इसीलिए अब जब साथ के साथ जो जो कैदी भाग गए थे अंडर ट्रायल प्रिजन से, उन सबको जब अरेस्ट अब हमने कर दिया है, तो वी थॉट कि इट इज़ द राइट टाइम टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विथ रिगार्ड टू दिस. कि हमने इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले तो मैं बैकग्राउंड दूंगा कि उस इंसिडेंट के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, हाउ वी वर एबल टू मेक द अरेस्ट. उसके बाद कौन 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 वो लोग थे या ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया इसमें, और फिर उसके बाद कि हमने उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो. तो विद इन जो जो हमारा इंसिडेंट हुआ उसके बाद इमिडिएटली पासीघाट PS केस नंबर 83/21 ये रजिस्टर किया हमने इन द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ IPCs. विद इन 5 डेज ऑफ द इंसिडेंट, 16 तारीख तक हमने 4 लड़कों को, 7 में से 4 लड़कों को अरेस्ट कर दिया था. वो लोग कालम अपांग, अभिजीत गोगोई, सुभाष मंडल और तेलुंग पानी. इन 4 लोगों को हमने विद इन 5 डेज अरेस्ट किया था. उसके बाद तारो हमाम 26 जुलाई को अरेस्ट हुआ. फिर राजा ताइंग 13 अगस्त को अरेस्ट हुआ है. और जो लास्ट हमारा कैदी था डेनी गामलिन, ये 31 अगस्त को अरेस्ट हुआ है. तो जो इंसिडेंट था उसके बाद इमिडिएटली हमने अपने सारे नाकाज को, सारे चेक गेट्स को, जो सारे अपने पुलिस स्टेशंस हैं अरुणाचल के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के और असम के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पुलिस स्टेशंस को हमने अलर्ट किया. और सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जिट पॉइंट्स थे उनको हमने क्लोज किया. फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जहाँ तक बात आई, तो हमने सारे अपने पुलिस फोर्स, यहाँ 5th IRBN की बटालियन है वहाँ से मोबिलाइज़ किया. हमारा 2nd APBN का बटालियन की एक कंपनी है, उनको मोबिलाइज़ किया. हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो हमारे लोकल यूथ्स थे, लोकल पब्लिक जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको हमने मोबिलाइज़ किया. और एक मैसिव मैन हंट चलता रहा. इट डिड नॉट स्टॉप आफ्टर इवन 5 डेज, जब हमने 4 को अरेस्ट कर दिया. जब तक सात के सात लोग नहीं अरेस्ट हो गए तब तक ये चीज़ हमारे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलती रही. तो इसमें मैं सबसे पहले जो भी हमारे सोशल पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबसे बड़ा थैंक्स तो उनको ही कहने, मेजर जो रीज़न है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए है. कि जो भी मैं कुछ विलेजेस के भी नाम लूँगा जिनके यूथ्स, जिनके जो लोकल लीडर्स जिन्होंने हमें हेल्प किया इन सबको पकड़ने में, तो जो जो नोटेबल विलेजेस हैं उसमें मिरकू, मिरबुक, मिरसम, 12 माइल, मांगनंग, जेलम, सिले, ओयान, लिंका और जो बॉर्डर विलेजेस हैं हमारे असम साइड के, उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की हमारी इन सातों जो कैदी थे उनको पकड़ने में. और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिनके बिना ये इतने कम टाइम में इन सबको वापस से अरेस्ट करके और जेल भेजना पॉसिबल नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन ABK एपेक्स, ABK यूथ विंग, ABK यूथ विंग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट, जो विदेश डिफेंस पार्टी है हमारा सिदेवयान और उस एरिया रुकसिन के एरिया में, और TMPK और AMBK जो कि असम के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा. जो TMPK ऑर्गेनाइजेशन है ये तो लास्ट टाइम तक जो हमारा जो 6th और 7th जो एस्केप प्रिजनर्स थे उनको भी अरेस्ट करने में उनकी तरफ से इनपुट्स कंटिन्यूसली आते रहते थे. उनको हम एक फॉर्मल फंक्शन करके भी रिवॉर्ड करेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से. तो उनको मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, उनके बिना सपोर्ट से ये चीज़ें नहीं हो पाती. अब इसमें मैं लास्ट का जो 7th हमारा जो एक्यूज था डेनी गामलिन, इसके ऊपर 5 केसेस हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं. उनमें से नोटेबली एक मर्डर का केस है और एक 2008 का रेप का केस है, और बाकी 3 बर्गलरी के केसेस हैं जो कि नारी पी सारे नारी PS के हैं जो इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं.
और इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि ये एक तरह का लोन वुल्फ लड़का बन चुका था, कि इसको फैमिली से कोई मतलब नहीं है, इसकी सोशल सर्किल कुछ नहीं था क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जेल में ही है, तो इसको पकड़ने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी। पर लोकल इंटेलिजेंस और इन सब के बेसिस पे हमने इसको तेलम एरिया से 31 को अरेस्ट किया है, और विद द हेल्प ऑफ लोकल विलेजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बारे में इनपुट्स थी कि ये नारी, जोनाई, सिमेंट, चपोरी इन सब एरियाज में चलता फिरता रहता था, और वहाँ पे कुछ कुछ छोटे मोटे घटनाओं को भी अंजाम दे रहा था जो अपने सेल्फ सस्टेनेंस के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए। जब वो अरेस्ट हुआ था तब भी उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश बरामद हुआ था, जो कि उसने नारी एरिया में क्राइम किया था, उससे मिला था। केस 83/21 पासीघाट PS का हमने रजिस्टर किया था। उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ये लोग जैसे जैसे एक एक करके अरेस्ट होते गए, तो उनमें पूछताछ के दौरान पता चला कि जो डेनी गामलिन करके लड़का था, ये इस पूरे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था उसका मास्टरमाइंड था, और इसी ने यही लोगों को वहाँ पे उकसा रहा था कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। जब इसको लाइक माइंडेड एक दो कैदी और अरेस्ट होके उस UTP सेल में आए, वो वैसे लोग जब इसको मिले, उसके बाद इसने उनके साथ प्लान करके एक जब सही समय पे, ऐसे समय पे जब उसे रियलाइज हुआ कि वो इस चीज़ को कर सकता है, उसने ऐसा करने का कोशिश किया। जो सिक्योरिटी पर्सनल उस समय तैनात थे, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई डिप्टी SP हेडक्वार्टर के द्वारा, और एक DIG लेवल की इंक्वायरी भी की गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट सबमिट किया गया पुलिस हेडक्वार्टर्स को। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, जो भी लोग उस समय तैनात थे उनमें से 3 लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया था, और उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी चल रही है, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद ही उन पे फर्दर एक्शन दिया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं SP लोअर सियांग श्री कुशल पाल सिंह सर को भी, उनका भी मेंशन करना उचित समझूंगा, क्योंकि जब मैं एज रेगुलर SP छुट्टी पे था, तो उन्होंने चार्ज देख के एक एक क्राइसिस के समय में डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लीडरशिप प्रोवाइड की, जबकि बहुत ज़रूरी थी। और जो लास्ट पार्ट है हमारा, कि हमने उसके बाद क्या क्या मेजर्स लिए ताकि इस तरह का इंसिडेंट आगे फ्यूचर में ना हो, तो जो जेल की सिक्योरिटी है उसको हमने काफ़ी बीफ अप कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है जो सिक्योरिटी पहले से थी। जो ओवरक्राउडिंग का इशू था वो भी अब कम हो गया है, जो जो लोग ड्यू फॉर बेल थे उनको कोर्ट से बेल मिल गया है। और जो उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ, उस समय में कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस भी थे, जिसके कारण से ओवरक्राउडिंग की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्हें हमें आइसोलेटेड सेल्स देना पड़ा था उसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे सर्विंग ऑफ मील्स और डिनर्स या लंच, इन सबको हमने और ज़्यादा रोबस्ट बनाया है, उसकी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज उसमें वो सिर्फ फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसके डिटेल्स नहीं बता सकता। आउटर पेरीफेरी में हमने डबल लेयर सिक्योरिटी गेट भी अब लगवा दिया है, और जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की बात है उसके लिए हाईएस्ट लेवल पे बातें चल रही है, और बहुत जल्द ही जो जेल का हमारा कैपेसिटी और जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन है वो पाइपलाइन में है, वो हो जाएगा। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। थैंक यू।